अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? खैर खैरियत से उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। सोच रहे होंगे कि यार सलाम आज इसने बड़ी लंबी खींच के ली है, और भाई क्या करें, मार्केट की डिमांड है। जो लोग सलाम लंबी खर के खींच के लेते हैं, लोग उनको बहुत गौर से देखते हैं क्या पता नहीं भाई, इतनी लंबी सलाम खींच के लिए आगे पता नहीं क्या करने वाला है। लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग ऐसे सर को हिला कर फिर सलाम लेते हैं। खैर, मैंने भी वो तरीका अपना लिया। वैसे तो शायद ऐसे में थोड़ा सा ग्रो कर जाऊं, आप लोग देखने लग जाएंगे भाई इसने सलाम बहुत लंबी ली है, इसको ज़रूर देखना है। ले जी, मैं आपसे जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ ना आज, वो बेसिकली टॉपिक है क्या, टोयोटा इंडस मोटर ने चंद रोज पहले एक ऐलान किया था कि भाईजान हमारी प्रोडक्शन बंद है, अब हम प्रोडक्शन वगैरह नहीं करेंगे। और भाई पार्क सुजुकी भी पीछे नहीं रहा, पार्क सुजुकी ने भी एक नोटिस जारी कर दिया है, ठीक है, जिसके मुताबिक पार्क सुजुकी कह रहा है कि भाईजान हो सकता है इन फ्यूचर मैं प्रोडक्शन रोक दूं, क्योंकि स्टेट बैंक के साथ खाली एक कंपनी का नहीं, हर कंपनी का इशू चल रहा है। और इशू चलना भी चाहिए भाई, 227 रुपये पर डॉलर चला गया, कोई 2-3 रुपये की खेल थोड़ी रही है। इतना ज़्यादा मामला डिस्टर्ब हो गया है कि अब एक कंपनी रह गई थी जिसका नाम था पार्क सुजुकी, और भाई वो भी पीछे हो गई है। मुझे जो खर्चा लग रहा है पार्क सुजुकी के साथ साथ जितना भी मोटर व्हीकल्स पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, सब ने कहना जी अस्सलाम वालेकुम, और आवाम ने कहना है वालेकुम अस्सलाम। मामला सूरत हाल हालात बहुत ज़्यादा गमगीन हो चुके हैं मुल्क के। अभी वफाकी काबीना को जितनी भी गवर्नमेंट है यार, सूबाई वफाकी दोनों को मिलकर मुल्की हालात के बारे में फैसला करना चाहिए, क्योंकि गाड़ियों के बिजनेस के साथ बहुत सारे लोगों का रोज़गार वाबस्ता है। खाली मेरा भी कह लें कि मेरा भी जो रोज़गार है वो भी गाड़ियों की फील्ड के साथ वाबस्ता है, और हमारे जैसे बहुत सारे दोस्त हैं, अजीज़ हैं, जो कंपनीज में काम कर रहे हैं, हज़ारों की तादाद में एम्प्लॉयज़ हैं, जिनका जो बेसिक बिजनेस है, जो बेसिक जिनका रोज़गार है, वो सिर्फ़ और सिर्फ गाड़ियों की फील्ड से वाबस्ता है। और मुझे जो फ्यूचर नज़र आ रहा है, जितने की इन्होंने गाड़ियाँ कर दी हैं, टैक्स लगा दिए हैं, आम लोगों की तो पहुँच से दूर हो गई। अब जो लीड क्लास फैमिलीज हैं, एक वक्त आना उन्होंने भी कहना है कि यार छोड़ो यार, क्या करनी है गाड़ी लेकर, कोई यूज़ गाड़ी देख लो। ये तो उनके लिए गाड़ी जो मुझे नज़र आ रहा है कि बचनी ही नहीं है, ठीक है, प्रोडक्शन ही बंद हो जानी है। सुजुकी ने 1 जुलाई की प्रोडक्शन अपनी स्टॉप कर दी है, बंद कर दी है, आगे कोई गाड़ी की वो बुकिंग इस टाइम नहीं पकड़ रहा, ठीक है। खैर, टोयोटा गया, सुजुकी खदशे में आ गया, पीछे रह गया होंडा, प्रिंस, प्रोटॉन तो भी सही तरह से आया भी नहीं, चला भी जाए तो खैर है, और कमर्शियल में सुजो, फोटोन, मास्टर, फूसो, जैक, फोरलैंड, जेएमसी जैसी कंपनीज बच जाती हैं। माफ़ी उनको भी नहीं दी, उनके ऊपर भी टैक्सेस लग गए हैं, और मुझे जो लग रहा है एक दिन आके कि उन्होंने भी कहना यार बंद करो, जैसे जरदारी साहब के दौर में शाजोर हंडाई ने अपना प्लांट यहाँ पर बंद कर दिया था। मुझे जो लग रहा है बाहर से इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात है, जो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है यार वो भी बंद हो जाना है, ठीक है, सारा कुछ तो बंद कर दिया, पीछे रह गया गया भाई, खुदा का नाम है। अगर ये मेरी आवाज़ जो है गवर्नमेंट तक जा रही है तो खुदा का नाम है यार, सुधर जाओ, बंदे बन जाओ। अवाम इतने प्यार से आपको डील कर रही है, लगे हुए हैं भाई जाने, प्लीज़ दोनों पार्टी सारे बैठ के मुल्क के मुतलक सोचो। ये लड़ाई झगड़े से वजारतों से कुछ नहीं होगा, मिल बैठ के बैठो, स्ट्रगल करो, सोचो भाई इस मुल्क को इन हालातों में से कैसे निकालना है। हमें तो भाई वो पसंद है जो हमारा फायदा करे। तो भाइयों, बात इतनी सी है कि भाई एक बात सोचनी चाहिए मुल्क की, हमारी जितनी भी सरकार है, गवर्नमेंट है, कि यार प्लीज़ बस कर दो यार, बस कर दो, आगे बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, आपकी इन हरकत की वजह से मज़ीद अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, डॉलर जितना महंगा हो रहा है, महंगाई उतनी बढ़ रही है, गाड़ियों के रेट्स बढ़ रहे हैं, सो प्लीज़ यार हमारा फ़ायदा करो, इकतदार संभालो, जो भी आए यहाँ पर, चाहे वो PTI हो, नून लीग हो, कोई सी भी हुकूमत हो, कोई भी आती है, वो यार कम अज़ कम यार जो भी आओ दिल से होके हमारा फ़ायदा करो।
ठीक है, हमारा जो फायदा करेगा हम उसके हैं, ठीक है, जो मुल्क को बचाएगा चलाएगा हम उसके हैं। सो ये गाड़ियों के मुतल्लिक अब इतने लोगों का रोजगार वाबस्ता है, इससे प्लीज यार इस सेक्टर को ठीक करो। और ये देखें यार, ये मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, ये सुजुकी का ऑफिशियली नोटिस है जो कि पाक सुजुकी ने जारी किया है, आज ही ये जारी हुआ है। और ये मैं आपको मुकम्मल रीड करके सुनाता हूँ। नहीं जी, अगर मैं आपको ये नोटिस रीड करके दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं कि ये पाक सुजुकी की तरफ से नोटिस इशू हुआ है, ठीक है। किसको इशू हुआ है? द जनरल मैनेजर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को, जिसमें सब्जेक्ट है कि भाई पॉसिबल शटडाउन ऑफ प्लांट बाय पाक सुजुकी, मुमकिन है कि सुजुकी का जो प्लांट है वो बंद कर दिया जाए। कब हुआ है जी ओपन? 28 जुलाई 2022 को, सही है जी, यानी के जो एक दिन कल की डेट गुजर गई तब ये नोटिस जो है वो जारी किया गया, जिसमें साफ लफ्जों में कहा गया है कि रिस्पेक्टेड सर, दिस इज विद रेफरेंस टू द न्यूज बीइंग पब्लिश्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिगार्डिंग द प्लांट शट डाउन ऑफ द पाक सुजुकी मोटर्स कंपनी लिमिटेड। आगे कह रहे जी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हैज इंट्रोड्यूस्ड अ मैकेनिज्म फॉर प्रीअरल अप्रूवल फॉर इम्पोर्ट अंडर HS कोड 8703 कैटेगरी इंक्लूडिंग CKD, वो यानी के जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह जो पार्ट्स बाहर से आता है गाड़ी को, यहाँ पे संबल्ड होता है उसको कहते हैं CKD, वाइड सर्कुलर नंबर उसका 9 है ऑफ 2022, डेटेड 20/2022। आगे कहते हैं रिस्ट्रिक्शंस हैड एडवर्सली इंपैक्टेड क्लियरेंस ऑफ इंपोर्ट कंसाइनमेंट ऑफ द कंपनी फ्रॉम द पोर्ट्स विच माइट रिजल्ट इन द शट डाउन ऑफ द प्लांट इन नियर फ्यूचर, देयरफॉर पार्क सुजुकी हैज स्टॉप्ड बुकिंग ऑफ इट्स प्रोडक्ट सिंस 1 जुलाई 2022। 1 जुलाई 2022 ने पार्क सुजुकी मोटर ने अपने CKD की इशू की वजह से, ठीक है, वो उन्होंने अपनी जो बुकिंग है वो बंद कर दी हुई है। आगे कहते जी, द कंपनी वुड लाइक टू क्लैरिफाई डैट एज ऑफ टूडे, यानी कि 28 जुलाई को ये नोटिस हुआ है और 28 जुलाई को कंपनी क्लैरिफाई कर रही है, देर इज नो प्लान फॉर प्लांट शट डाउन, ठीक है, अभी तक कोई प्लान जो प्लांट का शट डाउन का नहीं है, लेकिन मुमकिन है कि शट डाउन हो जाए। द प्रोडक्शन स्केड्यूल्ड ऑफ द कंपनी एंड एनी नॉन प्रोडक्शन डेज रिमेन्स कंटिंजेंट ऑन अ नंबर ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, द कंपनी इज एक्टिवली मॉनिटरिंग इट्स प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस एंड इज क्लोजली वर्किंग विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान टू एलिवेट द प्रेजेंट चैलेंज इन केस ऑफ एनी मटीरियल अपडेट रिगार्डिंग द एफोरसेड मैटर, इट विल बी टाइमली कम्युनिकेटेड टू द स्टॉक एक्सचेंज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द लिस्टिंग रेगुलेशन, यानी के कंपनी का भी कोई इरादा नहीं है शट डाउन का, लेकिन पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो प्लांट है वो शट डाउन हो जाए। ये 28 जुलाई का जनाब मैं आपको नोटिस चेक करवा रहा हूँ। इसी के साथ इजाजत दें मुझे, ठीक है, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, समझ गए हैं ना, बंदा चढ़ जाता लंबी सलाम लेने से, और समझ तो आप गए ही होंगे, सारे समझदार हैं। सो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।